हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं विनोद के बारे में। तो विनोद इतना फेमस हो चुका है कि हर जगह सिर्फ विनोद, सारे कमेंट सिर्फ विनोद से ही भरे रहते हैं। आप खुद ही देखिए। Binod. What does Binod people keep saying? What does that mean? What the hell is Binod? What is, why is everyone spamming? Who is Binod? विनोद ना, विनोद बूम की वाइन। ए मिल गया विनोद। भुवन हूँ मैं, भुवन। हाँ वही विनोद। क्या विनोद विनोद लगा रखा तब से? अरे आप ही बंद करवा दे, बस बता दो कि आपकी नेक्स्ट शर्टलेस पिक कब आ रही है इंस्टाग्राम पे। हाँ आजा, देख लेना, देख ले, देख ले, मेरी छाती पे विनोद लिखा। अरे नहीं 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 देखना। क्या कर दिया तुमने? और विनोद के नाम से बहुत सारे फेक चैनल ही बन चुके हैं अब तो पता ना इतना दिन तक विनोद विनोद चलते रहेगा। तो चलिए अपने अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं। हम बात करने वाले अमित बराना के बारे में। तो बहुत सारे लोग उनसे पूछ रहे थे कि वो बिग बॉस पे जाने वाले हैं बोल के, तो इसी के बारे में एक स्टोरी पोस्ट की है। तो अभी देखिए उनका ये। क्या हाल चाल है आप सभी के, कैसे हो आप सब? तो कई दिनों से काफी न्यूज पेपर्स मेरे बारे में आर्टिकल्स छाप रहे हैं, टीवी पर दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ये एक फेक न्यूज है, इसे मैं अपनी तरफ से खारिज करता हूँ। मेरी कोई रुचि नहीं है बिग बॉस में जाने की, ऐसा नहीं है, उसके लिए कोई बैड फीलिंग्स है। बस ये है कि अपने गोल्स अलग हैं, अपने एम अलग हैं, उन सब में बिग बॉस, बॉलीवुड ये कभी फिट ही नहीं होता। कभी बॉलीवुड, बिग बॉस ये मेरी प्रायोरिटी नहीं रही। अपने प्रायोरिटी यूट्यूब है, और यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बेस्ट कर रहे हैं, बहुत बेटर कर रहे हैं। जब तक कर रहे हैं कर रहे हैं, जिस दिन लगेगा टाइम इज़ ओवर तो टाइम इज़ ओवर। मैं कोशिश भी नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा दिन कभी आने नहीं देंगे। तो मेहनत ही हम बंदे हैं और अच्छी चीज में हम बिलीव करते हैं। बाकी बिग बॉस नहीं, ओनली यूट्यूब। और खुश रहो, मस्त रहो, बढ़िया रहो, रोटी वोटी खा लो टाइम पे। और चलिए अपनी अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। हम बात करने वाले ट्विंस ब्रदर के बारे में। तो रिसेंटली वो अरेस्ट हो चुके हैं। वो अरेस्ट क्यों हुए इसके बारे में बात करेंगे। तो अपने चैनल के लिए एक फेक रॉबरी वीडियो अपलोड कर रहे थे, मतलब फ्रैंक वीडियो शूट कर रहे थे। तभी पुलिस वहाँ पे आ गई और उनको वार्निंग दी कि छोड़ दी, कि मतलब ऐसा फिर से नहीं करने के लिए। तो वही सेम प्रैंक कुछ घंटे बाद ट्विंस ब्रदर ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में किया, तो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। अब इसके कारण उन्हें 4 साल की जेल भी हो सकती। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।